अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे एंड आई होप आपका वीकेंड जो है वो अच्छा गुजरा होगा। अ लॉट टू टॉक टुडे। द ओडीआई सीरीज हैज स्टार्टेड, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। बात होगी उस ओडीआई सीरीज के हवाले से और भी बहुत डिस्कशन होगी, गेस्ट भी हमें ज्वाइन इन करेंगे। मैं हूँ सवेरा पासवान, मेरे साथ मौजूद है अदील अज़र। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। यस, ओडीआई सीरीज इज गो और इस वक्त पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना में ये मैच चल रहा है ऑन अ स्लाइटली डिफरेंट ट्रैक। आई मीन जो हमें बातें की गई थी और हमें से जो वादे किए गए थे कि एब्सोल्यूट बैकिंग बैटिंग ट्रैक आपको मिलने वाले और बहुत सारे रन इस विकेट में मिलेंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। दिस विकेट अभी जो हम सुबह से दोपहर से मैच देखते हुए आ रहे हैं, विकेट बहुत आहिस्ता खेल रही है, यहाँ पर स्पिन काफ़ी ज़्यादा है और पाकिस्तान ने भी जब ये भाप लिया बाबर ने कि इस विकेट पर तो स्पिन का टूटी बोलना है, तो उसके बाद से मुसलसल स्पिन ही कराए जा रहे हैं। पाकिस्तान हैज़ रिस्ट्रेंड न्यूजीलैंड प्रिटी वेल। तफसीलात आपको बताएंगी व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में। एज ऑलवेज सवेरा, सो ओवर टू यू। सो व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में वनडे का हालो अहवाल, शुरुआत तो कुछ हो चुकी है। न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने जीता, टॉस जीत के पहले जो है वो बॉलिंग का फैसला किया। उसामा मीर जो कि डेब्यू कर रहे हैं लेग स्पिनर पाकिस्तान के लिए, और सकलैन मुश्ताक ने उनको उनकी डेब्यू कैप दी। और इस वक्त अगर मैं आपको सिचुएशन बताऊं तो 161/5 है इस वक्त न्यूजीलैंड। और अगर मैं बोलर्स की परफॉर्मेंस बताती चलूं तो नसीम शाह ने एक विकेट हासिल की है, मोहम्मद वसीम ने एक विकेट हासिल की है, उसामा मीर ने दो विकेट हासिल किए हैं एंड मोहम्मद नवाज़ एक विकेट हासिल कर सके हैं। सो राइट नाउ पाकिस्तान इज क्रूजिंग ऑन अ गुड वे, क्योंकि पार्टनरशिप्स नहीं बनने दे रहे हैं। आगे भी डिटेल में बात करेंगे इस ओडीआई के हवाले से। And Savera, very interesting thing is that अभी 36 overs में New Zealand ने एक भी छक्का नहीं मारा है, so that is very much unlike the way New Zealand अपनी क्रिकेट खेलता है। लेकिन बहरहाल चले जी, मैनेजमेंट कमेटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रुकन शकील शेख और नुमान बट नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना में पहुंच गए हैं पहला वनडे मैच देखने के लिए, और यहाँ पे चीफ सेलेक्टर शाहिद खान आफरीदी से भी मुलाकात करेंगे और दीगर अहम फैसले भी किए जाएंगे। और लाला काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं, वैसे कल आपने इनकी कुछ वीडियोस भी और तस्वीरें भी देखी होंगी कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट के साथ ही स्पेंट सिग्निफिकेंट टाइम एट द नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना यस्टरडे। बिल्कुल, मतलब ही इज़ द फर्स्ट चीफ सेलेक्टर दैट आई सी मूविंग अराउंड हियर एंड देयर, बट देन चीफ सेलेक्टर के साथ साथ मे बी इज़ द मेंबर ऑफ द कमेटी, सो शायद इस वजह से वो ये और भी बाकी सारी चीज़ें साथ साथ कर रहे हैं। मूविंग ऑन फर्दर, और बात करें चार मुल्की टूर्नामेंट में शिरकत के लिए, पाकिस्तान वुमेन फुटबॉल टीम आज रात सऊदी अरब के शहर दमाम पहुंचेगी और कौमी टीम अपना पहला मैच जो है वो 11 जनवरी को कॉमरोस के अगेंस्ट खेलेगी, दूसरा मैच 15 जनवरी को मॉरिशस के अगेंस्ट खेलेगी एंड तीसरा मैच 19 जनवरी को सऊदी अरब के अगेंस्ट खेलेगी। सो दिस इज इट फ्रॉम अच्छा एक खबर मिकी आर्थर के हवाले से और भी है, हाँ, जी, वो पत्नी शायद मिस हो गई, हम शामिल करते हैं क्योंकि इस खबर में ऐसी कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं, उसको एडिट कर दिया जाए। मिकी आर्थर पाकिस्तान टीम के हेड कोच बनने के हवाले से अपने डिसीजन फाइनल डिसीजन के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कुछ वक्त मांग लिया है। बताते ये चलें कि इस वक्त मिकी आर्थर इज कॉन्ट्रैक्टेड विद डर्बीशायर इंग्लिश काउंटी है, जिनका उनके साथ 3 साल मुआहदा है और अभी ही इज आई थिंक इज इन द सेकेंड और द फर्स्ट ईयर ऑफ हिज कॉन्ट्रैक्ट राइट नाउ। और अभी वो ये कहते हैं कि जी वो डर्बीशायर से तमाम मामला तय कर लें और फिर उसके बाद ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इस ऑफर का जवाब देंगे। याद रहे चेयरमैन इंटरिम चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या क्रिकेट कमेटी के जो चेयरमैन हैं, कम्युनिकेशन चल रही है आजकल सीरियसली, वन ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट्स दैट ही गेव, उन्होंने मिकी आर्थर के हवाले से बात की थी बिकॉज अपेरेंटली ही वॉन्ट्स टू रिज्यूम इट राइट फ्रॉम देयर, जब वो छोड़ कर गए थे बिकॉज मिकी और टीम का कॉम्बिनेशन अच्छा चल रहा था। लेकिन बहरहाल दैट्स इट फॉर व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स। एंड जी हाँ बिल्कुल, मैच थोड़ी देर पहले एक बाउंड्री लगाई, लेकिन जिस चीज़ की अभी भी बड़ी परेशानी है वो ये है कि अभी भी एक छक्का नहीं लगाया है न्यूजीलैंड ने। मुझे कोई खुशी नहीं मिलेगी छक्का मारने के उनसे, लेकिन मुझे सिर्फ ये है कि ये विकेट के तेवर जो हैं ये इतने अच्छे नहीं हैं। न्यूजीलैंड ने अगर 250 तक रन बना लिए तो ये काफ़ी ट्रिकी हो सकता है पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल, और ये विकेट जितनी हम बार बार सुन रहे थे इट वुड बी अ बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक और बिल्कुल जैसे नेशनल स्टेडियम का ट्रैक होता है वैसा होगा, अभी तक तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। हमने ज़रूरत से ज़्यादा मुझे लगता है पिचेस के साथ मैनूवर कर दिया, बट इस ODI के हवाले से भी डिस्कशन करेंगे, साथ ही साथ वॉट एवर इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान क्रिकेट राइट नाउ उसके हवाले से भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं क्रिकेट राइटर ESPN क्रिक इन्फो के लिए लिखते हैं उमर फारूक पॉल्सन, उनको खुश आमदीद कहते हैं। उमर अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। वालेकुम सलाम सवेरा, थैंक यू फॉर हैविंग मी। उमर
इंजॉय कर रहे हैं मैच, अभी देखने का मौका मिला, टाइम मिला, अभी तक जितना मैच हुआ है, डू यू थिंक इस वक्त देख के स्कोर कार्ड लगता है पाकिस्तान इज एट द टॉप, मगर जितनी तेजी से रन भी जोड़ रहे हैं साथ साथ, इज दिस अ डिफिकल्ट ट्रैक इन योर ओपिनियन? जिस तरीके से मैच शुरू हुआ था देखा तो मैं भी थोड़ा हैरान हुआ था कि जो आप पहले आपने ब्रीफ किया कि ये बैटिंग ट्रैक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और बड़े रन बनने के चांस थे यहाँ पे, लेकिन जब आप कंपेयर करते हैं पाकिस्तान न्यूजीलैंड को तो पाकिस्तान का अपर हैंड है। ऑल दो हम टेस्ट मैचेस पाकिस्तान में काफ़ी अर्से से नहीं जीत पा रहे, पिचेस के बड़े डिस्कशंस होती रही हैं, बट वाइड बॉल क्रिकेट में पाकिस्तान कदरे बेहतर टीम है कंपेयर टू न्यूजीलैंड। तो आई थिंक जो अभी पाकिस्तान कर रहा है टॉप ऑफ द गेम है, मुश्किल होनी नहीं चाहिए। पाकिस्तान की बैटिंग काफ़ी स्टेबल है, एक दो चेंजेस हुए हैं, फ़खर जमान की वापसी हुई है, बट अगेन ओवरऑल पाकिस्तान वन वाइड बॉल क्रिकेट में पाकिस्तान जो आप देख रहे हैं इसमें मुझे कुछ हैरत नहीं हो रही। यस पिच आप ये कह रहे हैं कि पिच पे रन नहीं बन रहे, आप ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान की बॉलिंग काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अरसे से बाद हारिस रऊफ की वापसी हुई है, वो टेस्ट मैच में हम उसको नहीं देख पाए, लेकिन उनके आने से आपकी बॉलिंग जो है वो काफ़ी आप उसको फोर्स कर सकते हैं आपका जो आपका जो बॉलिंग यूनिट है। तो आई थिंक पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो रन्स का थोड़ा फ्लो बड़ा है, ऐसा नहीं कि नहीं है, आपको थोड़ा सा और कंटेन करना चाहिए था, बट ओवरऑल आई थिंक पाकिस्तान वेल इन कंट्रोल। पाकिस्तान की बॉलिंग से जो उम्मीदें होती हैं आपकी, स्पेशली मैं उसामा मीर का जिक्र करूँगा, जिस तरीके से उन्होंने आज पहले डेब्यू है उनका, उन्होंने काफ़ी इम्प्रेस किया है। समटाइम अक्सर हम बात करते रहते हैं कि बैट्स बॉल पाकिस्तान के प्लेयर्स को कब चांस देना बेस्ट होता है, आई थिंक उसामा मीर काफ़ी अरसे से लाइन में लगे हुए हैं और लेकिन शादाब की वजह से वो टीम में जगह नहीं बना पा रहे थे, काफ़ी अरसे से वो नॉक कर रहे थे दरवाजे को कि यार मुझे भी मौका मिलना चाहिए एक आधे फॉर्मेट में, बट आई थिंक ये राइट टाइम था उनके लिए। अनफॉर्चुनेट था कि शादाब इंजर्ड हुए हैं, उसामा मीर की वापसी हुई है, तो ऐसी जो परफॉर्मेंस उन्होंने आज दिखाई है, कोई ऐसा नहीं कि उन्होंने पाँच आउट कर दिए, बट उनकी आपको एक लेग स्पिनर हर प्लेयर के पीछे एक बैकअप की जो हम बात करते रहे काफ़ी अच्छे से, तो हमने वो ग्लिम्स देखा है, हमने वो ग्लिम्स देखा है उसामा मीर की शक्ल में, जिस तरीके से बॉल को ग्रिप किया, जो हालांकि शादाब इतना बॉल ब्रेक नहीं करते जितना उसामा मीर बॉल ब्रेक करते हैं। तो आई थिंक हमारा जो फ्यूचर है विद लेग स्पिनर विद बॉलिंग इन वाइड बॉल क्रिकेट वो काफ़ी अच्छा है जो आपने आज देख भी लिया है। एब्सोल्युटली उमर, और ज़ाहिर है इस सीरीज़ की जो एक बड़ी इंपॉर्टेंस है वो ये भी है कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड पाकिस्तानी सरजमीन पर तकरीबन कोई 19.5 साल बाद एक दूसरे के सामने एक्शन में है। ये सीरीज़ अगर आपको याद हो तो हो जानी चाहिए थी पिछले साल, इनफैक्ट पिछले से पिछले साल लास्ट ईयर अक्टूबर 21, लेकिन अनफॉर्चुनेटली न्यूजीलैंड की टीम जो है वो कुछ डर की वजह से पाकिस्तान छोड़ के चली गई थी, लेकिन ज़ाहिर है उमर फ्रॉम द वन डे इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू ये बड़ा इंपॉर्टेंट साल है, क्रिकेट वर्ल्ड कप होना है इस साल लेटर हाफ में, बहुत ज़्यादा मैचेस पाकिस्तान के पास तो ओडीआई के नहीं हैं, उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले वक्त में शायद कुछ सीरीज़ वगैरह अरेंज हो जाए, लेकिन जो पाकिस्तान टीम अनाउंस की गई है आप किस हद तक मुतमईन नज़र आ रहे हैं? काफ़ी सारे लोगों का ये कहना है कि पाकिस्तान टीम में जो एक फिनिशर होना चाहिए वो यहाँ पर मौजूद नहीं है हमारे पास। मैं इसलिए ये सवाल स्पेसिफ़िकली पूछ रहा हूँ क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा अपने कॉम्बिनेशन आजमाने के हमको मौाक़े मिलने नहीं चाह रहे हैं। सो व्हाट इज़ योर सेटिस्फैक्शन लेवल विद द टीम सेलेक्शन राइट नाउ? देखिए पाकिस्तान का जो टेम्पलेट है वनडे क्रिकेट खेलने का वो कोई इतना मॉडर्न नहीं है। हमने इंग्लैंड में 2-3 सीरीज़ खेली हैं जिसपे पाकिस्तान ने 300 रन चेस करने की तरफ भी गया, रन करने की पाकिस्तान ने कोशिश किया, लेकिन पाकिस्तान कंसिस्टेंट नहीं है। पाकिस्तान का जो हम अक्सर T20 फॉर्मेट का रोना रोते थे कि यार हमारा टॉप ऑर्डर जो है वो उस तरह एक्सेलरेट नहीं करता, फिर मिडल ऑर्डर हमारा एक्सपोज है। हम जितना डिस्कस T20 फॉर्मेट को करते रहे हमने वनडे क्रिकेट को इतना स्क्रूटनाइज नहीं किया, इतना ज़्यादा उस पर कभी नज़र, क्योंकि बहुत कम खेला हमने रिसेंट पास्ट में। अब चूँकि वर्ल्ड कप इस साल में है तो हमारा टेम्पलेट को इतना मॉडर्न नहीं है, और अभी जो पाकिस्तान ने टीम अनाउंस की है आई एम श्योर शायद दार इंटरिम चीफ सेलेक्टर थे शाहिद अफरीदी, उनका आई थिंक एक ही टास्क था कि ये टीम सेलेक्ट करना। आई डोंट नो कि उनके पास उनका फ्यूचर जो है वो कितना दूर का सोच के वो कर रहे होंगे, ज़ाहिर है वो रिसेंट पास में इतना एक्टिवली इन्वॉल्व भी नहीं है प्लेयर्स के साथ कि वो कौन क्या कर रहा है। तो पाकिस्तान का वनडे फॉर्मेट में मोर लेस हम T20 फॉर्मेट का ही मिरर लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो आपका कोर है इस फॉर्मेट में वाइड बॉल में वो कोर आपको जो T20 में है वो एग्जैक्टली आप कोर बनाने की कोशिश करते हैं वनडे फॉर्मेट के अंदर भी। खैर आपका टॉप ऑर्डर यहाँ डिफरेंट है, इमाम यहाँ पे कंसिस्टेंटली रन करते हुए आ रहे हैं ये डिफरेंट है, बट जो आपने फिनिशर की बात की एग्जैक्टली देखें मिडल ऑर्डर में हमने चूँकि फॉर्मेट ये खेला ही बहुत कम है, हमने बहुत कम खेला है, हमारे पास इवन मैं अगर आपसे पूछूँ कि रिसेंट पास में आपको कौन से वनडे आपको याद होंगे तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। सो ट्रू, चूँकि हमने ये फॉर्मेट खेला नहीं है
और इसलिए हम इसको जज उस तरह नहीं कर पाते। हमेशा जब हम इसको जज करेंगे हम T20 फॉर्मेट की नज़र से जज करेंगे। जैसे आपने खुशदिल शाह को ड्रॉप किया ऑन द बेसिस ऑफ T20 फॉर्मेट की परफॉर्मेंस, और आपने उस प्लेयर को पिक किया जिसकी मिडल ऑर्डर में जिसको आपने डाला, तो ये हम अभी थोड़ा कंफ्यूज हैं वनडे फॉर्मेट में बनाने की शक्ल में। तो वी आर नॉट इवन क्लोज के हम चाह क्या रहे हैं, वी आर नॉट क्लोज के हम क्या प्लान लेके जाएंगे वर्ल्ड कप में, इवन कि हमने वर्ल्ड कप की प्लानिंग अभी स्टार्ट भी नहीं करी। ये आप थोड़ा सा मैं ज्यादा बोलूं लेकिन ये बात सच है कि पाकिस्तान के पास अभी कोई विजन नहीं है। अनफॉर्चुनेटली कह लें, फॉर्चुनेटली कह लें, अभी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो चेंजेस आई हैं उसने पाकिस्तान क्रिकेट को दोबारा रीसेट कर दिया है। तो अभी बहुत ही कन्फ्यूजन है, बहुत अनसर्टेनिटी है कि कौन क्या करेगा, कौन चीफ सेलेक्टर आएगा, कौन हेड कोच आएगा, बिकॉज ये सब चीज़ें कलेक्टिवली बनती हैं। अभी अभी आपके पास चीफ सेलेक्टर नहीं है परमानेंट, आपका हेड कोच को मालूम है कि वो फरवरी में जा रहा है, उसने बहुत पहले से बता दिया था कि वो चला जाएगा, तो यू डोंट हैव अ कोर टू डिसाइड कि आपने वन डे फॉर्मेट किस तरह खेलना है। शायद अभी आपने मिकी ऑर्थर का मैं सुना था, आपने अनाउंस किया था कि वो उनका भी वो भी है, वो भी हम आगे जाके बात करेंगे कि वो भी दो कश्तियों में सवार होना चाह रहे हैं और वो भी एक अलग दुनिया में बैठे हुए हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान का वन डे फॉर्मेट टेम्पलेट, हमने क्या करना है, हमने कैसे करना है, हमारे पास प्लेयर कौन से हैं, अभी फिलहाल वी हैव नो क्लियर आइडिया कि हम क्या करने जाएंगे। और बिल्कुल आप उमर बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्लियर आइडिया हो भी नहीं सकता बिकॉज अभी तक वो टीम ही पूरी जो डिसीजन मेकिंग टीम होती है वही नहीं एट स्टैंड आई है, वही नहीं पता चल रहा कि कौन कौन होंगे। ऑब्वियसली द कोच शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू बिल्ट अप अ टीम, कैप्टन तो हमारे सामने है ही, मगर वो जो पूरा एक सेटअप अभी बनना है उसके बाद ही कुछ कन्फर्मेशन होगी। एंड मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप तक वील बी प्लेइंग हार्डली 12 ODIs, अगर मैं एशिया कप के 4 लगा लूँ विदाउट फाइनल और 5 विद फाइनल, तो ये हमारे पास पूरी काउंट बनती है हमारी FTB में, तो हमारे पास ज्यादा ODIs भी नहीं है कि हम ज्यादा एक्सपेरिमेंट करें। तीन मैचेस आपने अफगानिस्तान से भी खेलने हैं, सवेरा में थोड़ा ऐड कर दूं, yes. आपने तीन मैचेस अफगानिस्तान के साथ खेलने हैं, 5 वनडे आपने दोबारा न्यूजीलैंड से खेलने हैं अप्रैल के एंड पे, तो यू हैव प्रीटी मच इनफ नंबर ऑफ वनडे गेम्स जिसपे आप देखे पूरी पाकिस्तान पहले भी ये बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान जी, लेकिन पाकिस्तान 12 हो या 20 हो, पाकिस्तान कभी प्रिपेयर नहीं होता। आपको पता होगा ये हमारी हिस्ट्री है, हमें आप बेशक आप 50 वनडे भी दे दें, यू विल नेवर। अभी जो नया सेटअप आया, अभी आपने देख रहे होंगे पिछले 2-3 दिन से हम देखते आ रहे हैं कि कप्तानी चेंज की बात चल रही है, अब शान की इस फॉर्मेट में वापसी हुई है, शान को वाइस कैप्टन बनाया, तो वी हैव नो आइडिया कि हम क्या करेंगे। तो आपके पास 15 वनडे हो, आपके पास 20 वनडे हो, आपके पास 2 बड़े टूर्नामेंट हो उससे पहले, बट आप फिर भी प्रिपेयर नहीं होते, आपको आपके कप्तान का नहीं मालूम होता है वर्ल्ड कप से पहले कि कौन होगा, कैसे होगा। चलिए उमर आपने छेड़ ही दी ये बात, मैं सोची थी कि मैं आगे इस बात पे आऊंगी बट आपने छेड़ दिए, तो हम इस बारे में भी बात कर लेते हैं। 1-2 दिन पहले एक कॉन्ट्रोवर्सी शुरू होती है, वो शुरू ही होती है कि शान मसूद को वाइस कैप्टन अनाउंस कर दिया जाता है, कैप्टन कहता है मुझे नहीं पता, इंटरिम सिलेक्शन कमेटी कहती है कि उनको नहीं पता, इवेंचुअली पता चलता है कि ऊपर से ऑर्डर आया कि शान मसूद को वाइस कैप्टन अनाउंस कर दिया जाए, बट आज आपको वाइस कैप्टन ड्रॉप हुए हुए दिखते हैं, यानी जो अगर शायद उनको वाइस कैप्टन इसलिए अनाउंस किया गया था कि वो 11 की डेफिनेट चॉइस हो जाते तो उसको निगेट कर दिया गया और टीम मैनेजमेंट ने उसको निगेट करके अपने कॉम्बिनेशन जिस कॉम्बिनेशन पर वो कम्फर्टेबल थे उसको खिलाया। हाउ डू यू लुक एट दैट? देखिए दिस इज बिट अनफेयर बिकॉज अभी जो हो रहा है पिछले 3-4 दिन से, जब से पाकिस्तान टेस्ट मैच जो आखिरी जो टेस्ट मैच ख़त्म हुआ उसके बाद से जो एक तूफान बदतमीजी चल रही है सोशल मीडिया पे, जिसके बेस पे डिसीजन पे इन्फ्लुएंस डालने की कोशिश की जा रही है, मुझे नहीं पता वो कौन सा क्वार्टर है जो ये इन्फ्लुएंस डालना चाह रहा है, लेकिन वो अच्छा नहीं कर रहा फिलहाल पाकिस्तान में। जो आपने शान मसूद की आपने स्पेसिफिकली बात की, ये बात बिल्कुल ठीक है, मैंने भी इंडिपेंडेंटली कोशिश की ये चेक करने की ये हो क्या रहा है, वाइस कप्तान ऑटोमेटिकली कहाँ से आता है, आपके पास हायरकी में कोई और बंदा शामिल, आप एक नए बंदे को टीम में डालते हैं और उसको वाइस कैप्टन अनाउंस करते हैं और कैटेगोरिकली आप कप्तान को बोलते हैं कि आपके पास चॉइस नहीं है, आपको इसको 11 में रखना है। बट चूंकि बाबर आजम को पिछले 3-4 साल में हमने देखा कि कितना इंपावर किया गया है, तो आई थिंक बाबर आजम दुनिया के बेस्ट प्लेयर में शामिल होता है, उनका उसमें कोई डाउट नहीं है, कप्तानी पे टेस्ट फॉर्मेट पे आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, डिबेटेबल चीज़ें हैं, बट ही इज़ वन ऑफ द पावरफुल कैप्टन पाकिस्तान का मोस्ट मिसबाउल हक के बाद, जो अपने जो फैसले हैं उनको इन्फोर्स कर रहा है। तो आई थिंक बाबर ने वीटो किया इस बात पे कि शान मसूद ठीक है आपने 16 में डाला है, लेकिन 11 जो है हमें बनानी है, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप कप्तान को इम्पावर करने की बात करते हो तो उसको अकाउंटेबल करने की बात करते हो आप, अगर कोई डिसीजन ऊपर नीचे होता है, कोई आई मीन रिजल्ट आपका ऊपर नीचे होता है, तो आप एवेंचुअली बाबर आजम को हिट आउट करते हो, बाबर आजम जो एज अ कैप्टन आप उसको हिट आउट करते हो। तो डेफिनेटली जब आप एक बंदे को इतना इम्पावर करते हो,
उसको अकाउंटेबल ठहराते हो, क्योंकि हमारे सिस्टम में डिफरेंट इंटरवल्स में कभी कोच इनपावर्ड होते हैं, कभी कैप्टन इनपावर होते हैं। तो अभी जो एरा चल रहा है, अभी जो एरा है, वो बेसिकली बाबर आजम इनपावर्ड हैं और वो तीनों फॉर्म के कैप्टन भी हैं और उनके पास इतनी पावर है और वो लीड फ्रॉम द फ्रंट वाली बात कर दुनिया की वर्ल्ड क्लास। कोई ऐसा नहीं कि वो कोई रैंडम परफॉर्म नहीं करते हुए प्लेयर है जिनको आप पुश ओवर हैं, उनको आप पीछे पुश करेंगे तो डर के पीछे बैठ जाएंगे। वो पावरफुल कप्तान है, अपनी परफॉर्मेंस से डिक्टेट करते हैं वो अपनी अपनी जो उनकी डिसीजन मेकिंग है, अच्छी है गलत है वो अलग बात है। लेकिन शान को आई थिंक उन्होंने रजिस्ट किया उनकी सिलेक्शन को, उन्होंने क्यों किया, बिकॉज उनके पास एक कॉम्बिनेशन, उनके माइंड में ये कॉम्बिनेशन होगा जो चलता हुआ आ रहा है। जो हमने पहले भी बात किया है कि आपका जो वन डे फॉर्मेट है उसका कोई टेम्पलेट नहीं है, मोर और लेस आपका जो टी ट्वेंटी फॉर्मेट है आप उसमें से ही चीज़ें निकाल के आप उसको फिट इन करके अपने आप को आप चला रहे हो आप। तो अभी आई थिंक ये जो अभी मैचेस चलना शुरू होंगे न्यूजीलैंड में, तो आपको थोड़ी डायरेक्शन नज़र आएगी कि पाकिस्तान करना क्या चाह रहा है, पाकिस्तान का एबिलिटी कितनी है। तो शान को आई थिंक ये जो पिछले दो तीन दिन से कंट्रोवर्सी चल रही है, यस ये बात बिल्कुल ठीक है, शान को ऊपर से लाया गया है और उसको वाइस कप्तान बनाया गया, जबकि पास आपके पास ऑप्शन मौजूद थी, आपके पास आपका वाइस कैप्टन जो है टेस्ट फॉर्मेट में रिजवान है, वन डे फॉर्मेट जो है उसमें बाबर और उसके बाद आपने शादाब को बनाया, शादाब के बाद हायरकी में आपके पास रिजवान आता है, तो आपको यू डोंट हैव टू मेक अ कंट्रोवर्सी आउट ऑफ आपका वो आता है, आपको कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है कि आप एक रैंडम एक बाहर के बंदे के लो। बिकॉज मैं भी रैंडम लोगों से बात करता हूँ, प्लेयर्स से जो करीब है उनके बात करता हूँ, तो आपने एकदम से पीछे से क्योस मचना शुरू हो गया है। ऑल दो पीछे पूरी सपोर्ट दी जाती है लेकिन रिफ्लेक्ट नहीं करती वो सपोर्ट जब आप मीडिया के सामने होते हैं, जब आप ड्रेसिंग रूम के माहौल को हैम्पर कर रहा है ये क्योस, एंड विच इज नॉट अ गुड साइन फॉर अ टीम who is about to go and play for the World Cup. लेकिन उमर मैं देखें इसको, एक तो पाकिस्तान में जो बड़ी मज़ेदार बात है वो ये कि पाकिस्तान में जो अफवाहें होती हैं वो हकीकत होती हैं, और अफवाह होती नहीं है पाकिस्तान में। वो जो आप कोई ना कोई सियासत हो कुछ भी हो ये होने वाला है, आप कहते हैं यार ये कैसे हो सकता है और वही हो जाता है। अब ज़ाहिर अफवाह कहीं से उठ रही है ये कि जैसे कि मैं कुछ अपने ट्विटर टाइम लाइन पर भी देखा था, आप लोगों ने भी देखा होगा, बल्कि कुछ ब्लू टिक वाले लोग ये बातें कर रहे हैं, खैर अब तो वो पेड होता है ब्लू टिक, लेकिन जी के शान को जो है वो ओडीआई का कप्तान और शादाब को गालबन टी ट्वेंटी और पता नहीं नहीं सॉरी आई थिंक एक शायद इनको टी ट्वेंटी का कप्तान बाबर को रखा जाएगा और शान को या पता नहीं क्या करने का प्लान किया जा रहा है पाकिस्तान में। लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, डू यू रियली थिंक के वो जो एक कैंपेन चली थी हैश सोचना भी मना है या क्या था, सोचना भी मना, डू यू रियली थिंक कि जो नई मैनेजमेंट आई उसके आने के टाइम पे ये कैंपेन चलती है, तो इज दिस सम वे ऑफ कलिंग द प्लेयर पावर के यार क्या इतना पावरफुल हो गया है कोई प्लेयर के आप बाकी खिलाड़ी डिसाइड करेंगे कप्तान किसको रखना है या नहीं रखना है। आपको लगता है कि दिस इज़ अ वे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो एक लेसन टीच करना चाह रहा हो, पॉइंट नंबर वन, एंड सेकेंडली इससे ये भी तो जाहिर हो रहा है कि काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की रिफ्ट्स हैं शायद बिटवीन द न्यू मैनेजमेंट एंड द टीम राइट नाउ, क्या कहेंगे उमर इस बारे में? देखिए प्लेयर पावर तब सर उठाती है जब आप रेजिस्टेंस शो करते हैं कहीं ना कहीं से, प्लेयर पावर एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती। देखिए आपका कोर जो है वो इस टाइम राइट नाउ कोर आपका क्या है, आपका बाबर आजम है, शाहीन अफरीदी है, आप दो तीन लड़के और आप बीच में हारिस रऊफ है, ये आपके कोर हैं, शादाब भी आपके कोर का हिस्सा है अच्छा खासा, फ़खर जमान काफ़ी अरसे से जाहिर है वो उनकी इंजरी का इशू हुआ, बट मोर और लेस वो भी आपकी कोर में आते हैं। बिकॉज फ़खर जमान अगर आप कंपेयर करें शान मसूद और फ़खर जमान को, डेफिनेटली आप आंखें बंद करके फ़खर को पिक करेंगे, बिकॉज यू नो के वो किस पाए के बैट्समैन है, उसमें कोई डाउट नहीं है। जो प्लेयर पावर की बात है, देखें हमारे यहाँ पे जो आपने बोला ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की, यहाँ जो अफवाहें होती हैं वो अफवाहें होती नहीं है, वो बेसिकली फ्लोट की जाती हैं, कहीं ना कहीं सदाकत होती है, कहीं ना कहीं धुआं, कहीं ना कहीं आग लगी होती है तो धुआं जाहिर है वो बेसिकली उठता है वो। तो एग्जैक्टली जब नई मैनेजमेंट आई है, नई मैनेजमेंट जो है उसने बेसिकली ये चाहा है कि यार जो पिछले होता रहा कि ऑलमोस्ट हर पीसीबी के हर कोने में हर कमरे में हर दीवार के पीछे चेंजेस हो रही हैं, इवन की तस्वीर लगी हुई भी चेंज हो रही है। तो और इसलिए इसका ट्रिगल डाउन इफेक्ट जो है ऑलमोस्ट नीचे तक आता है, तो हर मैनेजमेंट जो भी आती है टॉप पे, नजम सेठी साहब आए हैं, शकील शेख साहब आए हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा गहरा ताल्लुक है ग्रास रूट क्रिकेट के साथ, तो वो चाहेंगे कि कहीं ना कहीं चेंजेस करें ताकि हम अपनी स्टैंप लगाएं। तो ये जो आपके लिए धुआं उठ रहा है ये बिल्कुल सही उठ रहा है, ये कहीं ना कहीं चेंजेस करने की बात हो रही है,
क्योंकि मैनेजमेंट को चेंज करना है, अगर वो चेंज नहीं करेगी तो वो अपने आप को अनाउंस कैसे करेगी? बिकॉज़ यानी इस वक्त जो है ना पावर स्टैम्पिंग हो रही है कि कौन अपनी पावर ज्यादा दिखाएगा और कौन अपनी पावर आ पाएगा कि हु इज द बॉस एंड हु इज नॉट, शायद ये चीज चल रही है। मगर अभी इस वक्त हम जा रहे हैं एक ब्रेक पर, ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक से वापस आएंगे तो उमर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी रिसेंट टाइम्स में जो हमने देखी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कम इंटरोगेशन रूम ज्यादा लगने लगा, उसके हवाले से भी बात करेंगे आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच इन कॉन्वर्सेशन विद उमर फारूक कॉल्सन, और बात हमारी हो रही थी आज के मैच के हवाले से एंड एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग अराउंड पाकिस्तान क्रिकेट। मगर इस वक्त क्योंकि मैच जारी है, द फर्स्ट ODI पाकिस्तान वर्सेज न्यूजीलैंड, और इस वक्त जो है 194 रन 5 विकेटों के नुकसान पर न्यूजीलैंड ने बनाए हैं। खिजर आजम इस वक्त मौजूद हैं नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना के सामने, तो उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या खबर लाए हैं खिजर। जी खिजर, जी बिल्कुल सवेरा आवाज अभी कुछ इशू हो रहा है, कनेक्टिविटी का कुछ इशू है। सो वापस ब्रेकिंग न्यूज जी, छक्का मार दिया पहला न्यूज़। अरे जी मुबारक दी नजर मैंने सोचे जरा न्यूजीलैंड के छक्का मारने के लिए ब्रेकिंग न्यूज, ऐसा है जैसे पाकिस्तान के छक्का मारने के लिए बारह। लेकिन बाय द वे द स्कोर इज 194 for 5, 41.5 ओवर्स, सो दे स्कोरिंग एट इवन 4.63, लेकिन पिछले 5 ओवर्स में दे स्कोरिंग एट 5.6। दीज आर टू अच्छे बैट्समैन, ये ग्लेन फिलिप्स खेल रहे हैं, माइकल ब्रेसवेल दोनों साथ खेल रहे हैं एंड इनमें पूरी कैपेबिलिटी है कि स्कोर को 250-260 तक ले जाएं। यस, आई थिंक दैट्स द काइंड ऑफ स्कोर जो कि पाकिस्तान की इस बैटिंग लाइनअप को सूट करता है, लेकिन फिर भी मामलात यू नेवर नो, दिस इज अ स्पिनिंग ट्रैक बाय द वे। सो एंड आई होप कि हमारे बैटर्स जो हैं वो अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें। बट उमर, कमिंग बैक टू यू, जिस तरह ब्रेक पे जाने से पहले मैंने बोला था प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, अभी मैं अगर रिसेंट टाइम्स में बात करूँ जो पाकिस्तान न्यूजीलैंड के सेकेंड टेस्ट की पोस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई एंड अब जो प्री प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इस ODI सीरीज की, दोज वर रिगरस और बहुत ज़्यादा, मतलब इट वाज ऐसा था कि इंटरोगेशन चल रही है बाबर आजम की। मतलब आप क्या सोचते हैं इस पूरे सिलसिले के बारे में? बिकॉज ऐसा लगा कि शायद रमीज राजा के दौर में जितना रोक के आपने जर्नलिस्ट को रखा हुआ था उनको मौका मिल गया और एक ओपन ग्राउंड मिला सवाल पूछने का। देखिए, आई कैन नॉट क्रिटिसाइज कि यार द सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड है क्रिकेट के सवालों पे, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो किस तरह के होते हैं, बट इट मोर लाइक स्टेटमेंट जो मैं आज देख भी रहा था, बार बार 3-4 मैंने सवाल सुने भी कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हमारे यहाँ पे, चूँकि मैं भी 15 साल से ये प्रेस बॉक्स में बैठ रहा हूँ, लोगों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, प्लेयरों से इंटरेक्ट करते हैं, तो वी अंडरस्टैंड कि हमें प्लेयर के साथ जो सवाल करना होता है, हमें उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करना होता है। yes. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो आपने रमीज राजा की बात की, आपने उनको रोका हुआ था, रमीज राजा तो एक एक्सेप्शन केस थे, वो तो सुनना पसंद ही नहीं करते थे, उनकी तो वो एक डिफरेंट लेवल पे पिछले 14 महीने गुजार के गए हैं और उनकी तो इसलिए वो जिस तरीके से गए, आई थिंक पता नहीं उसको हम जस्टिफाई करें कि ना करें, बट एनीवे जो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन है, बिल्कुल ये आजकल एक काफ़ी हॉट टॉपिक बना हुआ है सोशल मीडिया पर, काफ़ी बैश किया जाता है हमारी स्पोर्ट्स कम्युनिटी को कि हम क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछते, हम स्टेटमेंट क्रिएट्स करते हैं और उस पर हम खुश होते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं अपने आप को, जबकि दूसरे एंड पे देखें तो दुनिया जब देखती है तो वो कहते हैं यार ये किस तरह के अहमकाना रवैया हमारे मीडिया का। पिछले 8-10 साल से जब यहाँ क्रिकेट नहीं हुई पाकिस्तान में, आई थिंक उसने भी हर्ट किया है, क्योंकि जर्नलिस्ट जो थे स्पोर्ट्स के वो एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे गेम के साथ, आई थिंक वो भी एक गैप था जिसने बेसिकली हमारी जर्नलिज्म का जो मैार है उस पर थोड़ा सा हिट किया है। मैं भी पार्ट ऑफ कम्युनिटी हूँ, मैं भी समटाइम हर्ट होता हूँ कि यार ओवरऑल हम सबको जज किया जा रहा होता है इस बेस पे और हमें बैश आउट किया जा रहा होता है, बट इस हर एक को जज किया जा रहा होता है इस तरह, तो आई थिंक थोड़ा अनफेयर है। हमें प्लेयर्स के साथ थोड़ी सी एम्पैथी शो करनी होती है, हमें रियलाइज करना होता है कि वो हमसे दे आर अहेड, दे आर द प्लेयर, वो गेम खेल रहे हैं, वो बाबर आजम है तो वो कैप्टन कर रहा है, उनके पास जो इन्फॉर्मेशन होगी वो हमेशा हमसे ज़्यादा होगी, तो वी हैव टू टेक अ स्टेप बैक, हमें डिक्टेट नहीं करना होता। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम जर्नलिस्ट लोगों को भी समझना चाहिए कि सोशल मीडिया की टोन और आपके प्रेस बॉक्स की या इंटरव्यू पूछते हुए टोन में बहुत फर्क होता है। आप ट्वीट नहीं कर रहे हैं, वर्ल्ड इज वॉचिंग, दुनिया मजाक उड़ा रही है हमारा, और बहुत जिम्मेदारी आती है उन अदारों की तरफ भी कि जिनको वो रिप्रेजेंट करते हैं, जिनकी वो नुमाइंदगी करते हैं, उनके एक्रेडिटेशन जो कार्ड्स हैं वो उन्हीं के नाम पर बन रहे होते हैं। बहरहाल उमर, आपसे थोड़ा सा यहाँ पे हम जरा रोकेंगे बिकॉज खिजर से रابطہ जो है वो बहाल हो गया है, और जरा सुनते हैं खिजर ने अपनी गुफ्तगू का आगाज हमें
जो है वो करना शुरू कर दिया था. ही इज राइट आउटसाइड द स्टेडियम एट कराची. जी खिजर, ओवर टू यू. जी खिजर, आपको आवाज आ रही है? खिजर, आप कुछ अगर चिप इन करना चाहते हैं, नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना के बाहर आप मौजूद हैं. जी फाइनली जी आवाज आ गई है. चलें जी, मुबारक हो. जी बिल्कुल, नेशनल स्टेडियम के बाहर मैं मौजूद हूँ और नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना जिसको हम कहने की आदत डाल रहे हैं. खैर तो इस वक्त पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच जारी है, मगर साथ साथ जिस तरह से आप सब भी डिस्कशन कर रहे थे कि जो क्रिकेट बोर्ड से जुड़ी हुई खबरें हैं उस पर भी नजरें हैं और मुख्तलिफ जो इशूज़ हैं अभी भी शकील शेख और नौमान भट्ट यहाँ पहुँचे हैं जो कि आज उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं उनसे मुलाकात की है और किस तरह से डिपार्टमेंट क्रिकेट की बहाली का जो प्रोग्राम है उसको तरतीब दिया जाए तो उस पर भी बात हो रही है. मगर मैच से बड़ी खबर यही रही, आप सब भी इस पर डिस्कस कर रहे थे, जिस तरह शान मसूद का एक तरीके से नाम अनाउंस हुआ, कप्तान को नहीं पता, मैनेजर पूरी सिलेक्शन कमेटी को नहीं पता और नाम अनाउंस हो गया. तो इस पूरे सिनेरियो में एक चीज़ जो सामने आई है वो यही आई है कि शान मसूद ने बड़ी मुश्किल से एक अपने ऊपर से टैग हटाया था कि वो जो है वो किसी खास बैकग्राउंड की वजह से क्रिकेट में नहीं है, बल्कि वो मेहनत करते हैं और उन्होंने प्रूव भी किया कि टेस्ट से उन्होंने कन्वर्ट किया T20 वन डे. तो अब इस हैपनिंग के बाद लगता है कि एक बार फिर उनके ये चीज़ें जो है उनसे जुड़ेंगी. कि अच्छा होता कि जो ऊपर की जो मैनेजमेंट कमेटी, वो पूरी मैनेजमेंट कमेटी है, वो कप्तान और मैनेजमेंट सिलेक्शन कमेटी से बात कर लेती तो इतना बड़ा जो एक मिस कम्युनिकेशन है उसकी वजह से ये सब कुछ नहीं सामने आता. साथ साथ रही ये बात कि जिस तरह से आप सब डिस्कस कर रहे हैं कि कप्तानी के हवाले से, तो मैं आपको बता दूं कि इस तरह मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ कप्तान रखने की ख्वाहिश की गई है. कोई कहता है एग्रेसिव होना चाहिए, कोई कहता है डिफेंसिव होना चाहिए, एक कोच कहते हैं कि प्लेयर 28 साल से कम उम्र होना चाहिए. तो अब ये जो नया सेटअप आया ये कहते हैं कप्तान पढ़ा लिखा होना चाहिए. तो अब पढ़ा लिखा कप्तान तलाश किया जा रहा है, पढ़े लिखे प्लेयर्स कौन है. हमें ये भी देखना होगा कि हमारे पास अच्छे क्रिकेटर किन बैकग्राउंड से आते हैं, उनकी ग्रूमिंग क्या होती है. मुख्तलिफ क्रिकेटर्स हैं, बहुत अच्छे क्रिकेटर्स हैं, बहुत अच्छे कैप्टन साबित हुए हैं, मगर शायद एजुकेशन के हिसाब से वो इतने हाई क्वालिफाइड नहीं है. तो ये अब नई एक सोच पैदा हो रही है कि कप्तान पढ़ा लिखा होना चाहिए, जिसके गिर्द अब एक नई संबंधियाँ टीम में, टीम मैनेजमेंट में बाहर देखी जा रही हैं. तो एक और जो पॉइंट आप लोगों ने रेस किया कि प्रेस बॉक्स और प्लेयर्स, देखें ये अब यहाँ पर बात ये होती है, दो किस्म के जर्नलिस्ट हम जो है यहाँ पर बैठे हुए होते हैं. एक होते हैं जो थ्रू आउट क्रिकेट को कवर कर रहे होते हैं, स्टैट्स को देख रहे होते हैं और उन सब चीज़ों को जो है वो किसका कितना स्कोर हो गया, सेंचुरीज हो गई, अगला मैच किससे है, वो स्टैट्स पे नज़र रखते हैं, अकॉर्डिंग टू स्टैट्स सवालात कर रहे होते हैं. मगर साथ साथ देखें पाकिस्तान में और क्रिकेट का बड़ा कोई पॉलिटिक्स और क्रिकेट का बड़ा बुनियादी ताल्लुक है. तो उस बुनियाद पर जो जो तब्दीलियाँ आ रही होती हैं और जो जो कॉरिडोर से खबरें आ रही होती हैं, जो जो टीम मीटिंग में बातें हो रही होती हैं, जब वो प्लेयर्स के सामने जाती हैं तो यकीनन किसी ना किसी हद तक प्लेयर्स डिनाई तो करते हैं और बाद दफ़ा आप कह सकते हैं कि सवाल करने का अंदाज़ शायद थोड़ा मुख्तलिफ हो सकता है, मगर सवालात के पीछे कोई ना कोई बात ज़रूर होती है कि वो सवाल क्वेश्चन रेज किया जाता है. और यही जो इस तरह का जो क्वेश्चन है, अगर हम ऑस्ट्रेलियन मीडिया देख लें या दूसरी दुनिया के मीडिया को देख लें तो वहाँ भी जब कोई इवन के जब गैर मुल्की टीमें भी जाती है तो उनसे भी बड़े सवाल आते हैं. ठीक है खिजर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया. देखें सवाल किया जाए, आप क्रिटिसाइज भी करें, सब अंडरस्टैंडेबल, मगर आप डिसरिस्पेक्टफुल नहीं हो सकते किसी को, क्योंकि आपके मुल्क का कप्तान आपके सामने बैठा हुआ है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एम्प्लॉय आपके सामने बैठा हुआ है, और कोई भी हो आप डिसरिस्पेक्टफुल किसी से भी नहीं हो सकते. आपने स्पॉटलाइट पे एक बंदे को बिठा के इतने सारे लोग एक साथ जो है वो इंटेरोगेशन करना शुरू कर दें, दैट इज़ नॉट ऑन, इट गिव्स अ वेरी वेरी नेगेटिव इमेज फॉर अस जर्नलिस्ट. तो मुझे लगता है कि इस पे बिल्कुल सोचना चाहिए. बट उमर, अभी जो खिजर ने एक बात कही, पढ़ा लिखा कप्तान ढूंढ, ये कप्तान ढूंढ रहे हैं, दूल्हा ढूंढ रहे हैं, ये करना क्या चाह रहे हैं? देखिए मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊं, अगर आपको चेंज करना ही है, लेट्स अगर आपको बाबर आजम नहीं पसंद आ रहा T20 फॉर्मेट में या वनडे में या टेस्ट, जो भी तीनों फॉर्मेट में आपको चेंज करना ही है,
एक रिस्पेक्ट देनी होती है प्लेयर को, बिकॉज प्लेयर पिछले 8-10 सालों में आपने देखा होगा प्लेयर बार बार, शाहिद अफरीदी रिटायर हुए, ही ऑलवेज टॉक्ड अबाउट कि हमें रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, मिसबा रिटायर हुए, ऑलवेज वांटेड कि हमें रिस्पेक्ट दे। एक तरीका होता है हर काम करने का, आपको स्पेकुलेट नहीं करना होता, कॉरिडोर से चीज़ों को विस्पर नहीं करना होता हमारे कानों में कि जी ये चीज़ उठाओ, वो करो, सोशल मीडिया पे एक पूरा आपको बबल नहीं क्रिएट करना होता, एक क्लाउड नहीं क्रिएट करना होता। यू हैव टू सिट विद द प्लेयर, बाबर आजम है, बाबर आजम से बैठे भाई, हमें बाबर, हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है और हम समझते हैं कि ये प्रॉब्लम है, कन्विंस हिम, उसको कन्विंस करें कि ये प्रॉब्लम है, हम चाह रहे हैं ये बंदा है, उसे डिस्कस करें। देखिए आपका आपका स्टंप्स का सुपरस्टार प्लेयर है, आपका कम्युनिकेट आपका दुनिया का बेस्ट प्लेयर है, अगर आप उसको डिसलॉज करेंगे, डिसलॉज अगर आप कप्तानी से हटाते हैं कोई बात नहीं, आप जाहिर है आपने ही लगाया है, आप उसको हटाओगे, लेकिन आप जब मेंटली डिस्टर्ब करते हो किसी को, ठीक है, उसके बाद आप पूरी टीम का बेड़ा गर्क करते हो आप, तो आपकी कोर है बाबर आजम, बाबर आजम को आप बीच में से निकाल दें, आप आपकी टीम दड़ल से नीचे गिरेगी आप, तो यू हैव टू हैव टेक हिम, उसको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा आपको, आपका कोर जो है उसको आपको जो बड़ी मुश्किल से बना है, हार जीत ठीक है होती है, प्रॉब्लम आप टेस्ट मैचेज आप अपने मुल्क में नहीं जीते काफ़ी अरसे से, प्रॉब्लम नहीं है, बट दैट डजंट मीन कि आपका कोर जो है वो आप पूरा का पूरा उठा के चेंज कर दें। कप्तान आपको चेंज करना है, कम सिट ऑन द टेबल और फिर उसके बाद चेंज करने की बात करें। और ऑनेस्टली अदील, कैप्टेंसी की हम बात करते हैं बाबर की, एक चीज जो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करनी चाहिए इस टीम की, द यूनिटी दैट वी सी इन दिस टीम, सेलिब्रेटिंग ईच अदर्स विन, सेलिब्रेटिंग ईच अदर्स अचीवमेंट, ये मेरे ख्याल है बाहर बैठे हुए लोगों को ना इतना ज्यादा भी जो है ना वो यगानगत और इतना एका भी शायद पसंद ना आ रहा हो कि कहीं ऐसा ना हो कि यूनियनाइजेशन हो जाए और कार्टलाइजेशन हो जाए और इनको खिलाना उसके बाद मुश्किल हो। उमर, प्रोग्राम के आगाज़ में, वैसे हम इख्तिताम की जाने बढ़ रहे हैं, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, लेकिन आपने आगाज़ में मिकी आर्थर के हवाले से कुछ बात की थी, लोग बड़े, बिकॉज मिकी का एक बड़ा अच्छा टाइम था, मिकी हैज़ अ वेरी गुड आई फॉर न्यू टैलेंट एंड ऑल, मिकी के बारे में आपने कहा था कि दो कश्तियों में सवार होना चाह रहे हैं, तो क्या वो डर्बी शायर पाकिस्तान साथ करना चाह रहे हैं, क्या ज़रा हमें अपडेट कीजिए इस बारे में? देखिए उन्हें नजम सिटी साहब डायरेक्टली डील कर रहे हैं उनके साथ, उनको आते साथ नजम सिटी साहब ने ही रीच आउट किया था और उन्होंने बोला जी मैं डर्बी शायर के साथ काम कर रहा हूँ, मेरा कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का है, ठीक है, और मैं वो छोड़ नहीं सकता, बिकॉज ही हैज़ अ मोस्ट स्टेबल जॉब देयर, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट एवेंचुअली वो है तो क्लब ना, सेकेंड डिवीजन का क्लब है वो, तो इन्होंने जब उसको ऑफर किया, और आई थिंक पाकिस्तान के जो हेड कोच का जो बजट होता है पाकिस्तान के लेवल के मुताबिक $15,000 से $18,000 की फिगर होती है जो ऑफर करता है हेड कोच को नॉर्मली हमारे यहाँ पे, ये ट्रेंड है, जब उनको ये चीज़ ऑफर की गई, उनको बताया गया कि जी आप आएँ और वहीं से शुरू करें जहाँ पे आपको लास्ट टाइम फिनिश किया था, बिकॉज हमारी जो अभी जो रिसेंट मैनेजमेंट है ये इंस्पायर्ड बेसिकली हर चीज़ चेंज करना चाह रही है, उनको लगता है कि पिछले 3 साल का जो टेन्योर था, 4 साल का टेन्योर था वो उसने हर्ट किया पाकिस्तान क्रिकेट, इसलिए दे वॉन्ट टू गो बैक ऑन द सेम लेवल जहाँ पे सीडी साहब ने फिनिश किया था। तो मिकी आर्थर जैसे आपने बताया ही हैड सम सक्सेस विद पाकिस्तान, इस पर कोई डाउट नहीं है, वो एज अ टीम शायद वो आपको इतनी विक्ट्रीज ना दिला पाए, लेकिन उन्होंने प्लेयर्स को बिल्डअप किया था, श्रीलंका में भी एग्जैक्टली वो इतनी विन दे थी उनके पास, लेकिन उन्होंने प्लेयर्स को बिल्डअप किया था, बाबर आजम आपके सामने है, फखर जमान को इवॉल्व करने की कोशिश की उन्होंने और काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए, तो ये लॉट उनको उनके साथ सामने नजर आती रही है, बट प्रॉब्लम ये है कि उनका डर्बी शायर से कॉन्ट्रैक्ट है और वो उसको भी शायद छोड़ना नहीं चाह रहे, और वो शायद चाह रहे हैं कि मैं कहीं ना कहीं दोनों चीज़ें, क्योंकि आपको याद होगा कराची किंग्स के साथ भी वो काम करते रहे थे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ भी वो काम करते थे, जो एक ठीक ठाक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, लेकिन ही वाज हैप्पी उनकी डील थी। कुछ प्लेयर्स को आई थिंक आई हर्ड के कुछ प्लेयर कहते हैं कि हमें काफ़ी इंकरेजमेंट मिली है मिकी कि मैं आ रहा हूँ, जब उनसे पूछा जाता है डर्बी शायर से पूछा जाता है तो वो कहते हैं जी वो तो इधर ही है, वो तो कहीं नहीं जा रहे, तो ये अभी काफी फ्लिप फ्लॉप चल रहा है, प्लेयर्स को कुछ इन्फॉर्मेशन है, मैनेजमेंट के पास कोई इन्फॉर्मेशन है, सॉरी वक्त यहाँ पे खत्म हो गया, हाँ आपको जल्दी से बता दें आपको क्या पता है, अगले 2 महीने में पाकिस्तान डिसाइड करे, अप्रैल में पाकिस्तान को सीरीज खेलिए, तो पाकिस्तान का जो कोचिंग स्टाफ, हेड कोच, जितने भी सब अप्रैल में, सब अभी फिलहाल कुछ भी नहीं हो रहा, अगर लोग अगर इंटरेस्टेड हैं जानने में। बिल्कुल जी, सो वक्त यहाँ पे खत्म हो गया, उमर थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल योर इनपुट एंड कमिंग हियर टू दिस मैच, और वाकई मिकी इज ट्राइंग टू फाइंड अ मिडिल वे कि वो पैरेलली दोनों डर्बी शायर और टीम पाकिस्तान को पैरेलली कोच कर सके, जो कि मुझे लगता है बहुत टफ सिचुएशन और बहुत टफ जो है एक कॉल होगी, बिकॉज आप पैरेलली नहीं कर सकते, बहुत क्लैशेस बीच में आएंगे, बट लेट्स सी कि ऊंट किस करवट बैठता है। वक्त यहाँ पे खत्म हो गया, जाते जाते आपको स्कोर बताते चले, 213 रन बना चुकी है न्यूजीलैंड की टीम, 45th ओवर शुरू हो गया 6 विकेटों के नुकसान पे, और गेम सेट मैच का वक्त यहाँ पे खत्म हो गया। सवेरा और अदील को इजाजत दीजिए, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।